आज मैं आपके लिए होममेड स्किन ब्लीच लेकर आई हूँ। ये जो ब्लीच क्रीम है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई गई है। इस ब्लीच क्रीम के इस्तेमाल से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बाजारी क्रीम जब हम इस्तेमाल करते हैं या अप्लाई करते हैं तो इससे रेडनेस हो जाती है, आपकी स्किन जलने लगती है। इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हमारी स्किन ग्लो करेगी, नेचुरल रिजल्ट आपको मिलेगा। ये होममेड ब्लीच जो है आपकी स्किन को ग्लो करेगी, आपकी स्किन को ब्राइट करेगी। आपकी स्किन इससे बिल्कुल भी कोई भी इससे आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। लड़कियां और लड़के इसको यूज करके अपनी स्किन को ब्राइट कर सकते हैं, अपनी स्किन में ग्लो ला सकते हैं। चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ, जिसको बनाना लगाना बहुत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, बहुत ही मजे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रेमेडी बहुत अमेजिंग होने वाली है। आपको होममेड ब्लीच बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, जिसको बनाकर आप अपनी स्किन में ग्लो ला सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक क्लीन सा बोल। से पहले मैं अपनी रेमेडी शेयर करूँ, आप मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। ये देखें, हमें इसके लिए चाहिए एक टमाटो। टमाटो को आपने कर लेना है नरम, जैसे कि इसका जो हमें चाहिए पानी, इसके लिए हमें इसको इस तरह से नरम कर लेना है ताकि जो है हम इसका वाटर अपनी रेमेडी में यूज़ कर सकें। इसके बाद आपने इसे कट कर लेना है दो हिस्सों में। दो हिस्सों में कट करके आपने हाफ, अगर आपके पास छोटा टमाटो है तो आप उसका पूरा यूज़ कर सकती हैं, अगर बड़ा है तो इसका हाफ ही बहुत है। इस तरह से आपने इसका पानी निकाल लेना है। टमाटो जो है आपकी स्किन को ब्लीच करने में मदद देगा, आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, आपकी स्किन में जितनी भी रफनेस है उसको दूर करेगा। आपकी स्किन में ये ब्लीचिंग के तौर पर यूज़ होगा, आपकी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त करने वाला है, ग्लो करने वाला है, ब्राइट करने वाला है। इसको यूज़ करके आप अपनी स्किन को ब्राइट और ग्लो ला सकते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी ब्लीचिंग होगी और इसका ज़बरदस्त आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको आप एक दफ़ा यूज़ कर देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद हम इसमें दो चम्मच जो है मिल्कर ऐड करेंगे। आपने खालिस कच्चा दूध लेना है, आपने वो इसमें ऐड करना है। दो चम्मच आपने इसमें मिल्क का ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद आपने किसी भी छन्नी की मदद से इसको छानना है। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसकी जो गुडनेस है वो इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। इसके बाद आपने एक बोल लेना है और इसे छन्नी की मदद से आपने अच्छी तरह से छान लेना है। आपने जो है इसके जो बीज वगैरह होंगे, जो भी इसका पल्प वगैरह होगा, वो इसका अलग हो जाएगा। इसके बाद आपने इसका इस तरह से पानी निकाल लेना है। इसके बाद आपने जो अगला इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है वो है एलोवेरा जेल। आपने इसमें एक चम्मच जो है एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। आपने एक चम्मच इसमें एलोवेरा जेल का डाल लेना है। इसके बाद आपने इसे भी अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। आपने इसमें डालना है जौ का आटा। मेरे पास जो है इस जौ का आटा है, आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से जौ का आटा डालकर इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। जौ का आटा आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन को स्क्रबिंग के तौर पर यूज़ होगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्किन के लिए होता है। आपने इस तरह से इसे मिक्स करके इसको अच्छी तरह से एक पेस्ट तैयार कर लेना है। जब एक पेस्ट तैयार हो जाएगा तो इसको अप्लाई इस तरह से आपने करना है। आपने इसको इस तरह से अपनी स्किन पर लगा लेना है और इसको हल्का सा मसाज करना है। हल्का हल्का हल्के हाथों से आपने मसाज करके 10 मिनट मसाज करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट छोड़ने के बाद आपने इसे कर लेना है वॉश, और वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट बहुत ही औसम मिलेगा। ये देख रहे हैं मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी स्किन ब्लीचिंग के तौर पर यूज़ होगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।